कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक बहुत ही बड़े कोच की कम्युनिटी में स्टोरी टेलिंग का सेशन ले रहा था। और उस सेशन के दौरान किसी ने मुझसे पूछा कि इफ़ आई शो टू वल्नरेबिलिटी वुड इट नॉट शो मी एज अ वीक लीडर। अगर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, तो क्या मैं एज अ वीक लीडर नहीं दिखूंगी? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ें हैं विच कैन हेल्प यू बैलेंस बिटवीन वल्नरेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक में डिटेल में जाएं और बहुत सारी बातें डिस्कस करें, लेट्स गेट द बेसिक्स आउट ऑफ द वे। एंड वो बेसिक क्या है? व्हाट इज वल्नरेबिलिटी एंड व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म। नाउ अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, तो वल्नरेबिलिटी इज ऑल अबाउट बीइंग ओपन, अबाउट बीइंग ऑनेस्ट, अबाउट बीइंग ऑथेंटिक इन योर जर्नी। और जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, तो वो आता है कि थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना, थोड़ा कॉम्पिटेंसी रखना, थोड़ा रिस्पेक्ट करना, थोड़ा प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना। और दिस इज वेयर लॉट ऑफ पीपल गेट कन्फ्यूज। सो आइए बात करते हैं कि हाउ कैन यू मेंटेन बिटवीन द वल्नरेबिलिटी पार्ट एज वेल एज द प्रोफेशनलिज्म पार्ट। तो जैसा मैंने कहा कि ये बाय डेफिनेशन ऐसा लगता है कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक दूसरे से अलग हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप ज़्यादा वल्नरेबल नहीं हो सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं तो आप प्रोफेशनल नहीं हो सकते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग बैलेंस, राइट? लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग बैलेंस। सो एवरीथिंग हैज़ टू हैव बैलेंस, एंड दिस इज वॉट वी आर डिस्कसिंग, कि हम इसको बैलेंस कैसे करें। तो जो पहली चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ Knowing your audience। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप जूनियर्स के सामने बोलने जा रहे हैं, आप नो अपने पीयर्स के सामने बोलने जा रहे हैं, आप सीनियर मैनेजमेंट के सामने अपनी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, आप किस लेवल पे हैं, नोइंग योर सेल्फ एंड नोइंग योर ऑडियंस इज की। बिकॉज वो एक्सप्लेन करेगा एंड वो हेल्प करेगा आपको कि आप कितना ओपन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंपनी में 8-10-20 साल सीनियर हैं एंड देर आर फ्रेशर्स ज्वाइनिंग, देन यू कैन बी वल्नरेबल अबाउट व्हेन यू वेर अ फ्रेशर, राइट? जब आप फ्रेशर की तरह ज्वाइन किए थे तो आपको कितना डर लगा था, कैसा लगा था, कैसा महसूस हुआ था, क्यों कंफ्यूज हुए थे और कैसे आपकी जर्नी बेहतर हुई। नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज कि मैं उस टाइम पे डरा हुआ था, कंफ्यूज था वर्सेस राइट नाउ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर बींग ऑनेस्ट। आप तो सही बता रहे हैं कि आप उस टाइम पे कंफ्यूज थे, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट शोइंग कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं। सो दिस इज वेयर इट कम्स टू बैलेंसिंग बिटवीन द टू बाई नोइंग योर सेल्फ एंड ऑल्सो नोइंग योर ऑडियंस। अगर आप सीनियर लीडरशिप के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, देन येस यू कैन बी लिटिल बिट मोर वल्नरेबल, बट यू नीड टू नो कि वो लिमिट कहाँ तक है। हाउ मच इज टू मच, दैट इज द की। हाउ मच इज द टू मच? ज़्यादा ओपन होना एंड ज़्यादा प्रोफेशनल होना, ज़्यादा वल्नरेबल होना, ज़्यादा प्रोफेशनल होना, बोथ कैन बी डेंजरस। हाउ? अगर आप ज़्यादा ही ओपन हो रहे हैं, ज़्यादा ही वल्नरेबल हो रहे हैं, पीपल मे टेक एडवांटेज ऑफ यू, पीपल मे थिंक दैट यू आर सॉर्ट ऑफ अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड यू आर नॉट नो नॉट केपेबल, यू आर नॉट प्रोफेशनल। एंड सेकेंड वे अराउंड इसकी, आप अगर आप ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो रहे हैं, then they will feel like you treat people like a robot. Now you don't treat people like robot, correct? But agar aapko aisa message nahi dena hai, then you got to have balance, and that balance can be very well done by telling beautiful stories of you failing and learning and refining. So that's first thing. Second thing is, as I said earlier, iski authenticity is key. It's very very important to be authentic. Now aap agar कोई भी स्टोरी बता रहे हैं बट वो मेड अप स्टोरी है, इट कैन बी इमोशनली ट्रू, इट कैन बी फैक्चुअली ट्रू, बट डोंट टेल अ लाई बिकॉज पीपल कैन जज यू, पीपल कैन फाइंड आउट कि आपने झूठ बोला था, आपने गलत बोला था। अगर ऐसा हो गया तो योर ऑथेंटिसिटी इज गॉन, एंड अगर आपका ऑथेंटिसिटी चला गया तो आपका ट्रस्ट भी चला जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर बींग ऑथेंटिक। जो हुआ है वो बताइए, उसका कुछ पार्ट यू कैन twist and turn and things like that, you can squeeze events, you don't have to tell 20 year story, but at the same time you don't need to tell lie. Number 3, as we say, leading by example karna hai. Agar aap apni team ko motivate karna chahte hain, to
तो यू नीड टू लीड बाय एग्जांपल, यू नीड टू टेल दो स्टोरी जहाँ पे आपने लीड किया, आपने चैलेंजेस को काउंटर किया, आपने ओवरकम किया, नॉट इन अ वे दैट आई एम ग्रेट, आई एम महान, आई एम दिस एंड दैट, बट इस तरीके से कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हो, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आई एम हियर टू सपोर्ट यू, आई एम हियर टू हेल्प यू. सो वेन यू लीड बाई एग्जाम्पल पीपल रियली लुक अप टू यू एंड दैट इज वॉट यू वॉन्ट विथ योर लीडरशिप स्टोरीज, राइट. द नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है बींग प्रैक्टिकली इमोशनली इंटेलिजेंट. यू नीड टू प्रैक्टिस इमोशनल इंटेलिजेंस. लाइक वन ऑफ द स्टडीज सेज दैट नो कि इवन इफ यू हैव द बेस्ट आई क्यू, इफ योर ई क्यू इज लेस, यानी इमोशनल कोशेंट आपका लेस है, दिस इज लेस लाइकली दैट पीपल विल परसीव यू एज अ लीडर. Because people connect with people. अगर आपका एक लीडर आपके साथ पर्सनल टच रखता है, आपको आपका हालचाल जानना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, इवन इफ ही इज लिटिल लेस इंटेलिजेंट, आई थिंक यू विल गो विद दैट पर्सन वर्सेस एक लीडर है जो कि बहुत सुपर इंटेलिजेंट है बट ही डजंट हैव एनी इमोशन, ही डजंट कनेक्ट विथ मेंबर्स, एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. सो इवन emotional intelligence is something that we need to practice, and even if sometime we say things in emotions, it's okay to acknowledge that, it's okay to respond when people are being emotional, you don't have to react for everything, you can take your time and respond. So those are some of the things. I want to end it by telling you one thing which I said in that meeting as well, that you should not talk about your wounds but talk about your scars. Which means that अगर आप अभी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर कोई अभी मेजर चैलेंज है, अगर अभी कोई इशू है, प्रॉब्ली अभी उसका सही टाइम नहीं है पूरी लार्जर टीम के सामने बताने का, बट वंस यू फिक्स दैट, वंस यू ओवरकम दैट चैलेंज, वंस यू आर आउट ऑफ दैट ऑब्स्टेकल, दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम टू शेयर दैट लर्निंग आउट ऑफ दैट. सो दैट इज वाई अगर अभी आपको कुछ वूंड है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यू डोंट नीड टू डिस्कस दैट, बिकॉज नंबर वन दे मे और मे नॉट कोरिलेट, एंड नंबर टू दे विल नॉट लर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट बिकॉज यू हैवन लर्न एनीथिंग, बट वंस इट इज डन, यू हैव गॉन पास्ट, देन यू कैन शेयर योर लर्निंग. दिस प्रॉब्ली इज द सम ऑफ वॉट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, इज हाउ मच is it okay to share personal stories, vulnerability when it comes to leadership while still maintaining the professionalism. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या पार्ट था जो आपको बहुत अच्छा लगा. एंड एज आई सेड, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, प्लीज डू दैट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एज आई से एवरी टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.